मुझे तो ऐसा लगता था कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम है। नहीं नहीं करण, तुम्हारे पिताजी ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके गए थे। अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और हाँ, तुम जिन वकील की बात कर रही हो ना, वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सूरज भैया। हाँ मैं आता हूँ, ऐसा ही नाम लिया था। रुको घर पे, मैं सारे मामले की तहकीकात करके आता हूँ। करण एक बात और, जो सारी बातें मैंने बताई है भैया भाभी को मत बताना। तुम चिंता मत करो, इस बात का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। ठीक है करण। सही कह रहे थे आप भैया, सही उस पर भूत है। हाँ वही, अरे यही तो हम कह रहे थे। और मैं अब उसको इस घर से निकालने वाला हूँ। अब वो इस घर से निकलेगी, उसको बाहर की रास्ता दिखानी पड़ेगी। अरे मुझे पहले से बताया नहीं और धोखे से मेरे घर में मुझसे मोहब्बत करके मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने आ गई है। अरे वाह, तू मेरा छोटा भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ तू सब कुछ समझदार हो गया है। भैया आप चिंता मत करो, अब तो उसको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। मैं आता हूँ अभी। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहे हो? इसकी मौसी के पास। मौसी? उनसे बात करने, उनको बता के इसका बोरिया बिस्तर बांध के और इसको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। निकाल दे, तभी हमारी इज्जत बच सकती है। ठीक है, हाँ जाता हूँ मैं। अरे वाह, चाहता वैसा ही हुआ। इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यानी कि अब हमारे घर का बवाल बहुत जल्दी बाहर जाने वाला है। जी, ये वाला टेंशन तो खत्म हो गई। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, अब जो प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई है, उसे आप कैसे भी करके अब अपने नाम कराइए। ये बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अब उसको मेरे ऊपर बहुत विश्वास हो गया है। हाँ, ये बस इसी का फायदा उठाकर मैं सारे कागज साइन करा लूंगा। सूरज भैया। अरे करण, तू कैसा है? तू कब आया कनाडा से? मैं कल ही आया था भैया। अच्छा अच्छा, और कैसा है? अच्छा, घर के अंदर आ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तू घर के अंदर बात कर, और ये सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों आ गया? कोर्ट में मिल लेते, कुछ मैं भी बस कुछ बातों के सवाल लेने के लिए आया हुआ था आपसे। कुछ बातों के सवाल? हाँ बोल। देख, बात तो मैं भी तुझसे करना चाहता था। मैं सोच रहा था तू कनाडा से जब वापस आएगा तो सारी बात तुझसे कर डालूं। एक बात सुन, तेरे पिताजी ने सारी दौलत तेरे नाम कर रखी थी, और उन्होंने एक वसीयतनामा भी दिया कि जिस दिन तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन सारी दौलत, तू उस दौलत का असली हकदार हो जाएगा। और आज तू उस दौलत का असली हकदार हो गया। तो अभी तक वो दौलत किसके नाम थी? वो तेरे पिताजी ने तेरे ही नाम करी थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, कहना तो नहीं चाह रहा लेकिन मैंने सुना तूने शादी कर ली थी। हाँ भैया, मैंने शादी कर ली थी। मुझे सब बताया। मेरी लव मैरिज हुई है। तेरी लव मैरिज शादी हुई? तूने कहाँ से शादी की, क्या करे, ये सारी बातें मुझे बताया। लेकिन एक चीज़ तुझे शायद पता नहीं है। जी, कहते हैं कहीं सौतेला सौतेला ही होता है। एक रंग तेरे भाई ने भी तुझे दिखा दिया है। तू जानता है, एक चीज बताऊंगा तुझे तो तुझे तुझे बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि भाई भाई के बीच कोई दरार पैदा हो। आज मुझे वो सारी बातें जाननी हैं जिन बातों की वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच में दरार बने। देख करण, तू तो समझदार है और तेरा भाई तुझसे ज्यादा समझदार है, लेकिन एक चीज है, जब तेरे पिताजी ने तेरे नाम ये सारी दौलत की थी ना, तो तेरे बड़े भाई के दिल में एक चुभन सी हो गई थी। वो ये सोच रहे थे कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ तो सारी दौलत उन्होंने अपने तेरे नाम कर दी। लेकिन एक चीज़ तो थी, तेरे पिताजी तेरी मम्मा से बहुत प्यार करते थे, और जो तेरा भाई है ना, वो तेरा सौतेला भाई है। पता है मुझे। हाँ, ये तो सबको ही पता है। उस भाई ने एक चक्रव्यूह बनाया, क्योंकि जिस दिन तू अपने पैरों पे खड़ा होगा अपने बिजनेस पर, उस दिन एक कागज बनवा के लेगा और उस कागज पर तू साइन करेगा, और फिर उसके बाद नया खेल शुरू होगा। अच्छा हुआ कि ये बातें समय रहते मेरे सामने आ गईं। शायद अगर मैं ना आपके पास आता
और ना ही बात है मुझे मालूम पड़ती। और हाँ भैया एक बात और, हाँ इसका मतलब अगर वो कागज बना करके मुझे भैंका करके मेरे साइन ले लेते तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती। एक चीज और, मैं तुझसे कहना नहीं चाहता लेकिन परसों की बात है, तू जानता है तेरे विजय भैया की माँ जो थी एक गुरुजी, उनकी भक्ति, उन गुरुजी का सबसे बड़ा खेल ये था कि तेरे खानदान को तबाह करना और उस घर में दस्तक देना। और जिन गुरु की तू बात करता है ना, वो गुरु नहीं है, वो उस घर में उनका बिछाया हुआ माया जाल है, विजय का, उसकी पत्नी का। इसका मतलब मैं उनको पूज्य गुरुजी हाँ, के नाम से सम्मानित करता हुआ आया और वो इंसान हमारे घर में दीमक की तरह खा रहे तुम्हें वो गुरु। कहीं ऐसा ना उससे पहले कि मैं तो ये सोच रहा हूँ तू किसी भी तरह अपने भाई से अलग होके कहीं चला जा अपनी बीवी को लेकर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसीबत तेरे घर पे आके रहे। आपकी कही हुई बातें सच हो गई भैया, वो मुसीबत गिर चुकी है। क्या क्या हुआ? मेरी बीवी को उस बाबा ने बदसूरत बना दिया है। क्या? हाँ भैया। तेरी बीवी को? लेकिन अब समझा, मेरी विजय से एक दिन बात हुई थी, विजय बता रहा था कि वो अनाथ गरीब पता नहीं कहाँ से उठा के लाया और वो कभी भी नहीं चाहता कि तेरा वारिस पैदा हो और सारी दौलत उसके नाम हो जाए, क्योंकि उन लोगों की कोई औलाद पैदा नहीं हो सकती, इसीलिए वो तुझे टारगेट बना रहा है और इसीलिए तेरी पत्नी को उन्होंने टारगेट बनाकर उस बाबा का सा खेल करवा दिया। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, अगर कोई काला जादू कर सकता है तो वो बाबा ठीक कर सकता है। किसी भी तरह तू अपनी धर्मपत्नी को उस बाबा के पास ले जा ताकि वो बाबा उसको ठीक कर सके। अगर मैं दोबारा से उस बाबा के पास अगर अपनी पत्नी को ले गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की वजह से वो मेरी पत्नी को दोबारा और बदसूरत बना दे। ना करण ना, तू शायद ये नहीं जानता, उस बाबा को सिर्फ एक तरफ का आईना दिखाया गया है, सिर्फ ये दिखाया गया है कि तुम लोग और तुम्हारे खानदान वालों ने उसकी माँ के साथ गलत किया है। और हाँ भैया एक बात और, जब से मुझे उसके बारे में आपने कुछ बातें बताई हैं और मेरी पत्नी ने मुझे उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा तब से उसके ऊपर से भरोसा उठ गया है और मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। करण ये क्या कह रहा है तू? तू उस बाबा के पास जा, वही बाबा तेरी बीवी को ठीक कर सकता है क्योंकि उसने तेरी वाइफ के ऊपर काला जादू करा रखा। अगर वो इंसान अगर ठीक करने वाला होता तो बुरा करता ही क्यों? वो बुरा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक तरफा देख रहा है, उसे विजय ने हर तरीके से तुम लोगों का दुश्मन बना रखा है। वो चाहता है कि वो ये कहना चाहता है कि इस घर में, इस घर के अंदर कोई कर तुझसे बड़ी लड़की शादी करे ताकि उस घर के अंदर और दौलत आए। पर मैं चाहता तो उसको ही हूं और उससे मैंने शादी भी कर ली है, अब मैं उसको बाहर कैसे करूं और ना मैं कर सकता उसको बाहर। मैं कब कह रहा हूं तू बाहर कर, तू लेके जा उस बाबा के पास क्योंकि वो बाबा है, मैं बताता हूं कहां है। आ करण, करण तू कहां गया था? और तू तो इसको छोड़ने गया था, तू ले आया वापस? हां मैं छोड़ने गया था इसे, लेकिन मैं वापस ले आया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं। प्यार करता हूं? करण तुझे पता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता। करण तू जानता क्या कह रहा है, इस बदसूरत लड़की को हमारे घर में रखेगा? और क्या बोला आपने अभी? अरे बस तुझे सब बता तो दिया, इस बदसूरत लड़की को हमारे घर में रखेगा। पर भैया ये इसी घर में रहेगी और हमारे साथ ही रहेगी, और हाँ ये माँ बनने वाली है। क्या क्या माँ बनने वाली माँ? लेकिन हाँ तुझे पता भी, तू क्या कह रहा है, ये बदसूरत और ऐसी लड़की के साथ? अरे करण तू पागल हो गया है क्या, इस बदसूरत लड़की को इस घर में रखेगा? अरे मैं तेरी वो एक से एक अच्छी लड़की से शादी कराऊंगी। और इसके पेट में बच्चा है वो? अरे बच्चे को गिरवा देना। चटाओ एक लफ्ज और बोला तो जबान खींच लूंगा बाहर। करण चुप, तुम दोनों जितने चालाक बनते हो उतने चालाक हो नहीं, समझ में आया? और हाँ तुम क्या कह रहे थे कि ये लड़की बदसूरत है? हाँ हाँ बदसूरत है। शट अप,
सब जानता हूं तुम्हारी करतूतें, और पूज्य गुरुजी ने भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है मुझे। गुरुजी ने? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करो। और हाँ, तुम्हें लगा होगा कि मैं कहीं और गया हूंगा, लेकिन मैं कहीं नहीं गया था, इसको गुरुजी के पास लेके गया था। गुरुजी के? ये देखो इसका चेहरा, ये वही गुरुजी है जिनको तुमने कुछ लालच दे करके और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके इसको बदसूरत बनवाया था, और वही गुरुजी हैं जो मेरे पहुंचने पर, मेरे हाथ जोड़ने पर उन्होंने इसको फिर से खूबसूरत बना दिया। करण, करण तुझे कुछ मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर भैया दौलत ही चाहिए थी ना तो दौलत ले लेते, मुझे दौलत में इंटरेस्ट नहीं था। अरे मैंने तो अपनो आपको अपना पिता माना था, मैं आपको पूज्य पिताजी मानता था, लेकिन आपने तो भाई का भी नाता नहीं रखा। और हाँ, अगर मुझे दौलत ही चाहिए होती तो मैं इस गरीब लड़की से शादी नहीं करता। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए घर की, और वो एक अच्छे घराने की लड़की कभी नहीं दे सकती। और ये उंगली मैं सिर्फ इनकी तरफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमारी पूज्य भाभी जी भी आपके साथ शामिल थी, इस गलत काम में शामिल थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? करण आप चुप रहिए, क्योंकि आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। हाँ, आपको दौलत चाहिए थी ना, और आपको भी भाभी जी, तो हाँ मैं आज सूरज भैया के पास भी गया था, उनसे मेरी बातें हुई, और जिन कागजातों को तुम देखकर के आए थे सूरज भैया को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम कराना चाहते थे मुझे बहला फुसला करके, तो हां उस प्रॉपर्टी के कागजातों पर मैं साइन करके आ रहा हूं, वो प्रॉपर्टी ये सब आपका हो चुका है। करण, करण, और हां छोड़िए, आज से ना मैं आपका भाई हूं ना आप मेरे भाई हैं, मैं जा रहा हूं इस घर को छोड़ करके। नहीं करण, छोड़िए हाथ मेरा, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन, उसके बाद जाना चाहे तो जा सकता है। मैं तुझे पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूं। प्यार करता हूं? देख, मैं बस इतना चाहता था कि तेरी शादी किसी अच्छे घराने की लड़की से हो। तो आप अच्छे घराने की बजाय एक बार इस गरीब लड़की को भी तो इज्जत दी होती। और हाँ, हमारे पास क्या कमी है दौलत शोहरत की, क्या नहीं है हमारे पास? आपको फिर भी पैसा चाहिए था, क्योंकि आपको वो अच्छे घराने की लड़की, वो पैसे वाली लड़की चाहिए थी, जो कि वो लड़कियां कभी किसी की इज्जत करना नहीं जानती। इस बात को तो मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि आपने कभी भी गरीब आदमियों को अपने पास इज्जत देने की कोशिश नहीं की, आपने हमेशा उनको अपने पैरों तले रखा है। और हाँ, वो तो शुक्र है ईश्वर का कि ये मुझे मिली और मैंने इससे शादी की, वरना आपने तो अपने स्टैंडर्ड के लिए इसकी भी कुर्बानी देनी चाहिए। क्यों, शर्म से आंखें नीचे पड़ गईं? देख करण, देख, अब कुछ नहीं हो सकता भैया। नहीं करण, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। नहीं करण, बात अभी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। करण, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, मगर मगर तू तो अब हमें माफ कर सकता है। कोई माफी नहीं मिलेगी। करण, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंजलि, और प्लीज और, हमें माफ कर दो। और अंजलि, हम ना दौलत के चक्कर में इतने लालची हो गए कि अपने ही घर में ये सब साजिश करने लगे, हमें माफ कर दो अंजलि, मुझे माफ कर दो। करण दीदी, कैसी मुझे हुआ सब भूल जाओ, मान जा। ठीक है, आपको अगर माफी ही मांगनी है ना दोनों को, इससे मांगी अब माफ कर दे अंजलि, तू कहे तो मैं तेरे दीदी तो ये माफ करेगी तो समझ लो मैंने भी माफ कर दिया। देख वरना मुझसे उम्मीद मत रखना, हमसे कुछ गलती हुई उसके लिए हम तो माफ कर। नहीं बड़े भैया, जो हुआ सो हुआ, आज से आप भी भूल जाइए और मैं भी भूल जाती हूँ, करण तुम भी सारी बातें भूल जाओ। देखा आपने, करण बहु बिल्कुल सही कह रही है, मैं हमेशा ये सोचता रहा कि गरीब लोग बहुत घटिया किस्म के होते हैं, लेकिन मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था, लेकिन बहू ने वो पर्दा हटा दिया।
दिया। गरीब गरीब किसी का बुरा नहीं कर सकता, ना बुरा सोच सकता है, ये बहू ने हमें बता दिया। और मुझसे और पायल से जो भी जाने अनजाने गलती हुई, बहू मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और तुझसे भी। आज जीवन की सबसे खूबसूरत बात की है आपने। देख, हमें हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमारी कुछ नहीं चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी तो तुम लोग। क्या आप अभी नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं, अगर तुझे लग रहा है नाटक कर रहे हैं तो मैं और पायल इस घर से चले जाते हैं। क्यों जाएंगे? और हाँ, जब अंजलि ने आप लोगों को माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ अंजलि आपको माफ ना करने वाला? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। मैं तो आपको बस ये समझाने के लिए आया था कि गरीब के अंदर ही इज्जत होती है, अमीर से कभी इज्जत की। यानी तुम दोनों ने हम दोनों को माफ कर दिया? हाँ भैया, और मुझसे जो गलती हुई उसे माफ करना, मैं माफी के लायक हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा किया, आपने मुझे हर एक चीज के लिए मुझे कभी मोहताज नहीं रखा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज जिस तरीके से आपने मुझे इज्जत दी है, इसको भी इज्जत देना। आओ जी, क्यों नहीं, आओ आओ चलो।